आप भी इस रेसिपी का फैन हो जाएंगे। एक बार बनाएंगे इस रेसिपी को तो आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता, कम ऑयल में ही बन जाती है। तो फ्रेंड्स आइए हम चलते हैं। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है कुक विद सानिया यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड आज मैं बनाने जा रही हूँ चीला, जो चावल से और दाल से बनता है। तो मैंने ये चावल लिया है, कोई भी चावल आप लें, बॉयल चावल हो आपके पास घर में, जो भी हो। हमने 3 कप ये चावल ले लिया है और ये 1 कप हमने उड़द दाल लिया है, और इसी कप से हम चना डाल लेंगे। इसको डालने से बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनता है, और इसको अच्छे से हम धो के रात भर भिगो के रख लेंगे। ये देखिए मैंने इसको 5-6 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम 2 पानी डाल के इसको रात भर हम छोड़ देंगे भीगने के लिए। 2 कप चना ले लीजिए और इसको 2 पानी से अच्छी तरह धो लें, और इसको रात भर भिगो के रख दें, या फिर 4-5 घंटे के लिए भिगो लें अच्छे से, जब तक चना भीग जाए। आइए हम चेक करते हैं हमारा चावल। ये देखिए हमने रात में इसको भिगो के रखा था, अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे, एकदम पेस्ट बनाएंगे, बारीक पेस्ट। धो लिया मैंने एक बार और इसको, इसको हम जार में डाल के और इसको हम पानी डाल के पीस सकते हैं, क्योंकि हमें इसे इससे भी पतला बेटर ही बनाना है। आइए हम इसको अब ग्राइंड करते हैं। देखिए हमारा बैटर पिस गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने पूरा चावल और दाल का पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए साइड पे रेस्ट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसका चीला बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं चना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए मैंने 1.5 ये प्याज लिया है, हम इसको ग्राइंड करेंगे, और ये मैंने ये 1.5 टमाटो लिया है, तो अब इसको हम पीस लेंगे। देखिए मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है, तो अब हम तैयारी करते हैं चना बनाने की। तो मैंने ये फ्रेंड चना बनाने के लिए कुकर को गर्म कर लिया है, और उसमें हम ये 5 से 6 चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। आप जो ऑयल यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल, वो डालें। हमारा तेल गर्म होगा क्योंकि कुकर गर्म था, तो हमने इसमें 1 प्याज डाल दिया। ये प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डालेंगे। उससे पहले हम इसमें 1/4 हींग, और इतना अच्छा लगे अब टेस्ट के हिसाब से डालें। हींग डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपके घर में हो हींग तो आप डालें, नहीं तो बिना हींग का भी अच्छा बनता है। ये देखिए हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, ज़रा जल जाएगा, तो अब इसमें हम ये प्याज और टमाटर का पेस्ट पीस के रखा था, ये हम डाल देंगे, और इसको 5 सेकेंड तक हम भून लेंगे। अब इसमें हम ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
हम इसमें अब डालेंगे ड्राई पाउडर मसाले, ठीक है। तो अब उसके लिए 1 टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, फिर बाद में हम इसमें और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। और ये मैंने जार ढो लिया था, उसका थोड़ा सा पानी मसाले का वो भी हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, अभी हम इसमें चना डाल के सीटी लगाएंगे तो मसाला भुन जाएगा। ये देखिए मैंने रात भर इसको भिगो के रखा था और दो पानी से फिर धो लिया। अब इस चना को हम इसमें ऐड कर देंगे। और 5 सेकेंड के लिए इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी इतना डालें ताकि 7-8 सीटी लग जाए और आपका चना जले नहीं और बराबर एकदम गल के बराबर हो जाए। चना से ऊपर पानी होना चाहिए। नमक वमक आप टेस्ट कर ले, मैंने देख लिया नमक एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें मिर्ची का पाउडर डालना भूल गई हूँ और बिना मिर्ची का चना कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, तब तक चटपटा ना होगा। तो ये मैंने 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर ले लिया है, ये हमने डाल दिया इसमें। अब इसको हम बंद करके 7 से 8 सीटी लगा लेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। कर दो। तो फ्रेंड्स अब हम चीला बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारा बैटर, हमने 10-15 मिनट इसको रख दिया था। अब इसमें हम एक टेबल स्पून है रेड चिल्ली पाउडर, आप डाल भी सकते हैं आपकी मर्ज़ी हो, आपकी मर्ज़ी ना हो तो आप ना डालें। और ये 1 टेबल स्पून से कम हमने मिर्ची ये नमक डाला है, तो इसको हम पहले टेस्ट करेंगे, नमक कम बेसी होगा तो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम पानी डालेंगे और इसका पतला बैटर बना लेंगे एकदम। ये छत्तीसगढ़ में इसको चीला बोलते हैं, उड़ीसा में चावल रोटी और बिहार में छिलका, हर एक जगह ये बनता है। लोग इसको पसंद करते हैं, खाने में अच्छा भी लगता है और बन भी जाता है। बस चावल भिगोना, पीसना और बैटर तैयार, फिर फटाफट चीला तैयार। हमने पैन रखा है, पैन भी गर्म हो गया हमारा, नॉनस्टिक की पैन है जिसमें हम मैं डोसा बनाती हूँ उसी में चीला बनाऊँगी। लोहे वाले तवा में भी अच्छा बन जाता है लेकिन मैं इसमें बनाऊँगी नॉनस्टिकी वाले में बनाऊँगी। थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसमें, ये देखिए इसको ऐसा पतला बैटर बनाना है, एकदम गाढ़ा नहीं। हमारा चीला एकदम पतला पतला बनेगा। छत्तीसगढ़ में तो लोग चावल पिसा के रख लेते हैं और उसको बनाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा एकदम मोटा मोटा चीला बनता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, पर वहाँ के लोग वैसे ही खाते हैं। और मैं क्या है कि ताज़ा चावल पीस के फिर उसको चीला बनाती हूँ।
का नमक मैं देख लेती हूँ, नमक है कि नहीं बराबर। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने ब्रश से इसमें चारों तरफ, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती नॉनस्टिक में, लेकिन पहली बार है, फर्स्ट बार में थोड़ा है चिपकने का डर रहता है, तो देख लेते हैं। ये पूरा आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लें और अच्छे से गर्म होना चाहिए तवा। पलट दिया, हो गया। नॉनस्टिक में ये होता है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, अच्छे से बन जाता है। आप चाहो तो इस साइड से थोड़ा हल्का सा तेल लगा सकते हो। हमारा चिल्ला तैयार है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो गाइस, हमारा ये चीला और चना तैयार है, तो आइए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। तो हमने थोड़ा सा इसको बहुत ही यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस बना है, बहुत ही अच्छा है। आप सब भी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।